अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन वाइट कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत मजे की और खूबसूरत तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बिलाल जी। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट कढ़ाई। बहुत मजे की रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई करें। तो देखते हैं कि चिकन वाइट कढ़ाई कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन वाइट बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल जाएगा कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा 1 किलो चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड फ्राई करने के बाद हम चिकन की साइड चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तकरीबन 5 से 7 मिनट और फ्राई करने के बाद अब जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास अदरक और लहसुन का पाउडर है, मैं ये ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल दें। अब इनको फ्राई कर लेंगे मज़ीद। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जाएगा प्याज, ये एक बड़ा प्याज है जो बारीक काट लिया। 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमने फ्राई किया है। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके कलर चेंज होने तक फ्राई किया है। उसके बाद हमने प्याज डाल दिए हैं, अब प्याज नरम होने तक फ्राई करेंगे। माशाल्लाह चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब जाएगा इसके अंदर 1 कप दही। दही को मैंने फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक दम दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम हमारा आ चुका है। दही ने जो पानी छोड़ा था उसी के अंदर कुक कर लेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर तक गल जाए। वैसे बहुत बेहतरीन कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है, आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें। दही का पानी खुश्क हो गया है, अब जाएगी काली मिर्च। मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जाएगा 1 कप क्रीम का या 1 पैकेट क्रीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। 1/2 कप दूध जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दूध और क्रीम मिक्स करने के बाद जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी, दरमियान में से काट लिए। अब इनको मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए दम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई से हमारा जो चिकन है वो बहुत बेहतरीन हो गया है, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 2 मिनट के लिए दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन वाइट कढ़ाई हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन वाइट कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह बहुत मज़े की और ख़ूबसूरत तैयार हुई है। आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करें, हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बाँटते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।